पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम 1 घंटे से 2 घंटे अगर आप वर्क करना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड सारी डिटेल्स लो। सो गाइस थैंक सो यू गाइस, सर। मेरे हमसफर ये ड्रामा भाई साहब, लास्ट एपिसोड में जैसे कि हमने देखा कि खुर्रम भाई वहाँ पे आया हुआ था और उसको खाला ने देख लिया, बेहोश होगी बेचारी। एंड अभी आगे देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट दिस दिस वीडियो। वीडियो ओ भाई भाई, तो देख भाई, एक तो इतना तगड़ा है वो, लंबा चौड़ा। अरे वो तो ठीक है पर बाइक छोटी सी लग रही है उसके ऊपर, देखना। और भाई सुबह का टाइम हो रहा, अभी भी 5 बज रहे इधर, 6 बज रहे इधर। मेरे को भी चाय पीने का सुड़ सुड़ करने का बड़ा मन कर रहा भाई, दे दो इधर, हमारे इधर भेज दो पार्सल। सॉरी 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 समीर, अस्सलाम वालेकुम। ये बेहोश कैसे हो गई है चाचू, क्या हुआ? हाला कितना ज्यादा बेगैरत इंसान है। तो माँ, हाँ पहले मुझे भी लगा था टू अर्ली एकदम, ये अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इतने खुश हैं, तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? डर लग रहा है। किस बात से? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तुम्हें अपना घर बना कर दूंगा ना, तो जो दिल में आया वो करना। शौहर होने की हैसियत से घर तो बना ही सकता तुम्हारे लिए। भाई जान, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमजा के मुंह से ये लफ्ज मेरे लिए कभी नहीं निकले। तब से इतनी टेंशन, तो फिर क्यों बार बार एक ही बात करके अपने आप को अजियत में डालते? ये दवाई खा लें, वरना आज आपका बीपी हाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है? मैं कह रही हूँ बकवास बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी ज़बान काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूँगी। जाओ। दस कैसा वो करती है? मैं दस ऐसे क्यों करती है ये? बता तो किसी को भी नहीं सकती, क्या होने वाला है हालात, सोच। हमारी खुशी को ग्रहण लग गया हमसे। क्या लग गया? ग्रहण? कैसे खुशी मनाऊं मैं हमारी खुशी को? ग्रहण ये कब, ये कहां से लिया? ग्रहण क्या होता है? सूरज को ग्रहण सुना था, खुशी को भी ग्रहण लगता है, काला काला साया आता है। कुछ नहीं, वो समीन को बहुत सदमा हुआ है
कुछ कहा उसने तुमसे? समीर को क्यों सदमा हुआ? वो मुंह से कब कुछ कहती है? माँ उसके जानती हूँ। सोफिया, बिला वजह वहम मत पालो। कुदरती बात है, शादी होती है, बच्चे भी होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी धचका लगा है। धचका? कैसे रवा हो गई है हालांकि जिंदगी, पुरसकून जिंदगी जैसे। जब इंशाल्लाह समीन का वक्त आएगा, सब हो जाएगा। उसका रिश्ता हो जाता बस। सोफिया, देखो, समीन इस सब वाके से उभर कर अपने रास्ते पर गामजन हो गई है। तुम सर पे सवार मत करो, पढ़ने दो उसे। शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है ना? हाँ। अब तो नया जमाना है, शौहर बीवियों को आगे बढ़ने में खुद मदद करते हैं। और वो जो उस दिन तुमने कहा था कि सास नंदे हांडी भूनने पर लगा देती हैं, और सास नंदों का अगर झंझट ना हो? लड़के गमलों में उगते हैं, मुझे नहीं पता था गमलों में उगते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी नजर में ऐसा एक लड़का है, कौन कौन लड़का? अरे आ गए मास्टर जी, पीछे से हरमन पहन के आ गए मास्टर जी। समीन, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? इस वक्त तो आपको क्लास में होना चाहिए। क्लास नहीं हो रही, कैंसिल हो गई। तुम बैठ गए। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी। थैंक यू। घर में सब खैरियत? हाँ, घर में सब ठीक है। क्यों? वो कल इमरजेंसी हो गई थी ना। आई एम सॉरी समीन, पता नहीं मुझे ये बात पूछनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप ही ने मुझे बताया था ना कि घर में आप और आपके पेरेंट्स रहते हैं, फिर वो सब लोग, आप प्लीज इस तरह उदास मत होइए। आपको अफसरदा देखा मैंने तो इस वजह से मेरा ध्यान उधर चला गया। पर अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। समीन प्लीज, आपको मैं इस तरह उदास नहीं देख सकता। आप मुझे कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अच्छी लगती हैं। जिस तरह आप खुश और खुर्रम, खुर्रम इंसान के फिर तो बहुत से लोग होते हैं ना, लेकिन कौन हमारी जिंदगी में रहे इसका अख्तियार हमारे पास होना चाहिए। और मेरी जिंदगी में उस घर में सिर्फ दो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स, बाकी सब तो हजूम है। सही कह रही हैं आप। कभी इंसान हुजूम में भी तन्हा रह जाता है, और कभी कोई किसी के लिए सब कुछ हो जाता है। समीन, आप मेरे लिए हुजूम बन गई हैं, मेरे चारों तरफ फैल गई हैं। आप जी? हाँ समीर, आपके अब्बू आपकी अम्मी मुझ जैसे तन्हा इंसान के लिए सारा जहां बन गए।
खुर्रम 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 हाँ जलीस वो हमारे तवक्कुआ के ऐन मुताबिक है, अकेला भी है, शराफत और किरदार से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, शक्ल और सूरत में भी किसी से कम नहीं, पढ़ा लिखा है, नौकरी तो उसे मिल जाएगी, उसमें आगे बढ़ने का जज्बा है। समीम के मेयार के मुताबिक है, घर घाट तो है नहीं, खानदान का भी कुछ पता नहीं है। खानदान के तो उसके महजब आदात से पता चलता है, और रही बात घर घाट की, हमारा सब कुछ समीम का ही तो है। तो समीम मान जाएगी, और ये खुर्रम से कौन बात करेगा भला? हाँ ये सोचने वाली बात है, इस पे तो सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको पसंद है खुर्रम? सुकून? सुकून नहीं, सुकून चाहिए था बस। खाना खाना या आई नो लंदन वाली बात पर अफसोस हो रहा है। इधर देखो, तुम, मैं और हमारा बच्चा लंदन जाएंगे, एंड आई प्रॉमिस, यकीन है मुझको? तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही हैरान हुए थे, फिर मान गए। मान गए कैसे? बस तुम्हारी माँ की दलाली ऐसे। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या पता वो कौन है, क्या है? देख कर एक दाना ही चखते हैं बेटा, जिस तरह उसने तुम्हारी मदद की जब वो एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया, तो सोचो जब एक लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो क्या क्या नहीं करेगा। मैंने हर बात तुम्हें खोल कर बता दी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो। और मैं अपनी बेटी की रजा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी जी। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन मेरे हम सफर। खुर्रम प्लानिंग कर रहा है, खुर्रम की प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, शादी होगी खुर्रम की समीन से, बट हाला का क्या होगा? उसका सुकून तो चला गया ना, चला बर्बाद कर दिया ना जी, तो अभी आगे क्या होगा, क्या होगा आगे बताना मत, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। हम देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी।